Hello students, I hope you all are fine. This is our maths class. In this class, we will learn how to write the number 7. Number 7. आपको आज इस क्लास में मैं नंबर 7 को लिखना सिखाऊंगी. हम नंबर 7 को किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, हम लोग पहले नंबर 1 टू 6 लिखना सीख चुके हैं, अब हम नंबर 7 को लिखना सीखेंगे. तो हम नंबर 7 किसके हेल्प से लिखेंगे, जैसे हमने आगे के नंबर लिखे हैं, लाइंस और पैटर्न्स के हेल्प से. तो देखिए, नंबर 7 बहुत ईजी है. आपको सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, फिर एक स्लैंडिंग लाइन इस तरीके से, इसको जॉइन करते हैं नंबर 7. देखिए, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्लैंडिंग लाइन, एक छोटी स्लीपिंग लाइन फिर एक स्लैंडिंग लाइन इस तरीके से. नंबर 7, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्लैंडिंग लाइन, ये हमारा बन गया नंबर 7. देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, एक स्लीपिंग लाइन एक स्लैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन एक स्लैंडिंग लाइन, इस तरीके से हमारा कौन सा नंबर बनता है, नंबर 7. बहुत इजी है, सिर्फ दो लाइन की हेल्प से आप उसे लिखना सीख सकते हैं. एक आपकी स्लीपिंग लाइन हो गई, उसी को ड्राइंग करते हैं एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ, एक स्लीपिंग लाइन एक स्लैंडिंग लाइन इस तरीके, एक स्लीपिंग लाइन एक स्लैंडिंग लाइन. तो ये हमारा नंबर 7 राइट डाउन हो जाता है. देखिए, एक स्लीपिंग लाइन एक स्लैंडिंग लाइन, कौन सा नंबर बनाए, नंबर 7. आपको इसमें दो लाइन यूज करनी है, एक स्लीपिंग लाइन जो कि हमारी लेटिंग की लाइन होती है, स्लीपिंग मतलब सोना, लेटिंग लाइन, और एक स्लैंडिंग लाइन जो कि इस तरह से तिरछी लाइन होती है. तो बच्चों, बहुत ईजी है, एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक स्लैंडिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे और उन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो कौन सा नंबर राइट डाउन होता है, नंबर 7. आपको याद हो गया, आप इसे बार बार इस तरीके से लिख कर देखिए, तो आपको ये नंबर 7 लिखना इजीली आ जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.